पीटी का ये नफा नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये स्टार्ट करेंगे। इसमें उसूल और जवाब तो क्या है, खरीद कीमत माइनस फरोख कीमत होता है बराबर नफे के, और फरोख कीमत माइनस खरीद कीमत बराबर है नुकसान के। तो देखिए उसका फॉर्मूला इस तरह से है कि कुल नफा मल्टीप्लाई बाय 100, कुल नफा मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन खरीद कीमत, कि उसकी जो खरीद कीमत होती है खरीदी हुई तो बराबर होती है फीसद नफे की। तो देखिए कुल नुकसान अगर जो नफे का भी देखें हम, हाँ तो ये दोनों जाते लिख लेना है कि कुल नुकसान मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन खरीद कीमत, तो ये होता है फीसद नुकसान की। अब यहाँ पर देखिए नफा या नुकसान उमूमन खरीद कीमत पर महसूब करते, मतलब हिसाब लगाते, अगर उसे फरोख कीमत पर महसूब करना हो तब वाजह तौर पर बयान करना होता है फरोख कीमत पर, और माल की नकलो हमले ज़कात दुरुस्तगी होने वाला खर्च माल की खरीद कीमत में मिलाया जाता है, और हासिल होने वाली रकम को कुल खरीद कीमत माना जाता है। तो अब देखिए उसकी मिसाल लेते हैं, एक कुर्सी 720 में फरोख करने पर अगर आपको 20% नफा होता है तो उसकी खरीद कीमत कितनी थी, मतलब 720 में जब आप बेच रहे तो 20% आपको प्रॉफिट हुआ, तो खरीद कीमत कितनी है इसकी। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है फरोख कीमत अपॉन फीसद नफे के, खरीद कीमत की, तो यहाँ फरोख कीमत हमारे पास क्या है 720 है मल्टीप्लाई बाय 100, और फीसदी नफा, तो फीसदी नफे को हम कैसे मिलाते हैं, इससे पहले हम फीसद में देखा था कि 100 जो होता है फीसद का उसमें प्लस करते हैं 20 को, तो 120% ये हो गया टोटल, 120 हो गया यहाँ पर, 100 और 20, फीसद का 100 और ये 20% नफे का, तो 120। अब 720 मल्टीप्लाई बाय जो 100 है तो वो कितना होता है, 00 उसमें लगा देना है, तो मतलब 72,000 जो हो रहा है उसमें उसे 72,000 में से 1 0 और 120 का 1 0 कट गया, तो फिर कितना हो जाएगा 72,000, तो 7,200, 7,200 को अगर 12 में डिवाइड करें तो वो होते हैं 600, 7,200 को 12 में डिवाइड किए तो 600 होते हैं। अब ये एक हो गया, उसी तरह से फर्ज करना है दूसरा एक तरीका कि खरीद कीमत अगर एक्स रुपये है तो यहाँ पर खरीद कीमत क्या होगी और फरोख कीमत, खरीद कीमत अगर 100 है और फरोख कीमत है 120 रुपये, तो एक्स और ये 720 हो रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा करना है कि एक्स ये जो डिनोमिनेटर का यहाँ नोमिनेटर में आ गया, और उसके बाद में जो 120 है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ गए, ये उल्टा होकर, तो अभी एक्स अपॉन 720 इज इक्वल टू अगर 100/120 है तो फिर इसकी कैसी बनेगा, ये जो 720 था तो डिनोमिनेटर से ये यहाँ नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ जाता है, अपॉन 1 भी लिख सकते हैं हम या वैसे भी लिख सकते हैं। अभी 720 लिख देने के बाद हम क्या करते हैं कि 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 720 से, जो कि हो जाता है 72,000, जिसमें से 1 0 1 0 कट गया, जो सेम इसी तरह से 600 हो जाए, दोनों तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जाप्ते के मदद से। उसके बाद दूसरा है कि अरशद ने कुर्सी को 450 में फरोख किया तो उससे 10% का क्या हुआ, नुकसान हुआ, अगर 20% नफा हासिल करना होता तो उसे कितने में फरोख करता हो, तो 10% क्या हुआ उसको घाटा हुआ 450, मतलब 450 में से 10% नुकसान, यानी 500 ही होना चाहिए, तो 500 का 50 रुपये 10% होता है, और 20% में अगर बेचता तो 600 में बेचता था। तो अभी हम देखेंगे कि फर्ज करना है कि पहले की खरीद कीमत क्या है एक्स रुपये है, तो खरीद कीमत हम क्या लिखेंगे कि 100 कंसिडर करेंगे और फरोख कीमत को 90, क्यों, क्योंकि इसमें से 10% 90 होता है, और एक्स की वैल्यू अभी हमको इसकी नहीं मालूम जो कि 450 थी, तो अब इसको कैसे रखते हैं हम फिर से कि एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 100/90 ये कर देंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जैसे जाता है तो 90 मल्टीप्लाई बाई ये 450 इधर आ गया, तो 450 इसी तरह, और 100 मल्टीप्लाई बाई 450 कितना होता है, वो होता है 45,000, 45,000 का 1 0 कट गया तो 4,500, और उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, 4,500 का 1 0 यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय
450, ये हो गया 45,000, और 1 0 कट करने पे 4,500 नौ का, तो 4,500 को डिवाइड करना है तकसीम नौ से, तो 500 हो जाएंगे। इस तरह से हम असल कीमत निकाल सकते हैं। अब अगर 20% नफा हासिल करना है हमें, तो हम क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं, खरीद कीमत फरोख कीमत, तो ये 100 और यहाँ 90 लिखा था, तो उसको 20 बढ़ा के 20 लिखना है, जिसको हम यहाँ पर, अगर हमारे पास में अभी आ गया एक्स की कीमत पहले की 500, तो फरोख कीमत अभी नहीं पता कि कितने में बिकना चाहिए, तो यहाँ एक्स लिखेंगे। हालांकि मोटा मोटा देखा जाए तो ये 50 के हिसाब से 2 50 100 होते हैं, तो 600 तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक्स 120 अपॉन एक्स है, तो इसको फिर से इधर लेंगे, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये जो पता नहीं है अभी कीमत वो वाला, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 500 अपॉन 100, तो जिसमें से 120 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना होता है, 120 मल्टीप्लाई बाय 500 ये हो जाएगा 60,000, जिसमें से 1 0 ऊपर और नीचे का कट अगर हो गया 100, और 2 0 अगर कट करे तो 600 हो रहे डायरेक्ट डायरेक्ट, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 600, तो 20% नफा हासिल करने के लिए कुर्सी है 600 में खरीद करेंगे। नेक्स्ट है कि 950 दर्जन के नर्स से 20 दर्जन बॉल पेन अगर खरीदे, अगर 20% अगर नफा हासिल करना हो तो पेन कितने रुपए में फरोख्त करना होगा, 20 950 रुपये दर्जन के नर्स से 20 दर्जन खरीदे, तो एक दर्जन कितने का, 950, तो 20 दर्जन बॉल पेन उन्होंने खरीदे, अगर 20% नफा हासिल करना हो तो हर पेन को कितने रुपए में फरोख करना होगा। अच्छा तो आप कैसे करेंगे, खरीद कीमत क्या है, तो खरीद कीमत 190 है, क्यों, कुल दर्जन कितने थे, 20 थे, और एक दर्जन का नर्ख कितना है, 9.50, 9 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 950 दर्जन के नर्ख से 20 दर्जन खरीदे, दर्जन के नर्ख से यानी कि पूरे टोटल 20 दर्जन खरीदे उन्होंने 950, तो अगर 20 दर्जन 950 के है तो इसको अगर हम कंसीडर करें 9.50, तो अब ये क्या है कि यहाँ पर इन्होंने 950 डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर 9.50 आना चाहिए था, तो यहाँ पर ये गलती की उन्होंने, तो यहाँ पे डॉट आना चाहिए था, तो 9.50 दर्जन के नर्फ मतलब उसके भाव से 20 दर्जन बॉल पेन खरीदेगी, तो अगर एक दर्जन का क्या है नर्फ यानी भाव 9.50 है, तो 20 दर्जन का कितना हो जाएगा, 190। आप फर्ज करना है कि परोख कीमत अगर 100 रुपये है, परोख कीमत नहीं मालूम, तो परोख कीमत कितनी है, 20% ज्यादा है, तो एक्स यानी कि अगर 120 रखते हैं हम, जब 20 मालूम नहीं हो तो फीसद में 100 के साथ 20 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया, और खरीद कीमत 100 है, तो यहाँ पर 190 है, तो एक्स क्या होगा, तब इसकी वैल्यू में रखने पर हम क्या करते हैं, एक्स इजिक्वल्स टू, ये 120 वैसे रहता है, मल्टीप्लाई 190 आता है, ये अपॉन में आ जाता है 100, इसको इधर ला लेना डायरेक्टली, तो इसको अगर करते हैं जब, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 190 कितना होता है, 120 मल्टीप्लाई बाय 190 ये होता है टोटल 22,800, जिसमें से 800 के जो 2 0 है, 100 के 2 0 ये कट जाएंगे, तो ये 228 हो जाता है, तो 228 यहाँ पर आ गए। अब 20 दर्जन मतलब कितने हो रहे हैं, 20 जरा 12, तो 20 जरा 12 क्योंकि दर्जन है ना, तो 240 होते हैं टोटल, 20 दर्जन होते हैं 240 क्वांटिटी, अगर 240 पेन की कीमत अगर 228 है, तो एक पेन की कीमत कितने निकलेगी, तो अब आपको इसको भाग देना होगा कि 228 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 240 से, तो आपको मिलेगा 0.95 मतलब 95 पैसे, तो एक पेन आपको 20 दर्जन मुनाफे के लिए आपको 95 पैसे में फरोख करना होगा। दूसरा चौथा सवाल देखते हैं कि 30 चीजें, 30 चीजें 7,380 में अगर फरोख करेंगे, 7,380 में, तो 6 चीजों की खरीद कीमत के मसावी नफा हासिल होता है, 6 चीजों की खरीद कीमत के बराबरी का, यानी 30 चीजें अगर आप 7,380 में अगर बेच देंगे जब, तो 6 चीजों की जो खरीद कीमत है जितने में खरीदते हैं उसके बराबर आपको नफा हासिल हो जाता है, तो हर चीज की खरीद कीमत कितनी है, तो आप इसका फॉर्मूला है कि खरीद कीमत माइनस फरोख कीमत, खरीद कीमत
माइनस फरोख्त कीमत बराबर है नफे के। तो अब फर्ज करना है कि अगर एक चीज की खरीद कीमत कितनी है एक्स एक्स, तो दिया हुआ हमारे पास है कि नफा कितना है 6x, क्योंकि 6 चीजों के बराबर का है तो 6x। तो हर चीज, एक चीज की खरीद कीमत कितनी है, चीज है टोटल 30 के ठीक है, बराबर है, 30 30 चीजें, तो इसको 30x ये खरीद कीमत रखेंगे। नफा कितना हो रहा है 6 चीजों की। अब 6x = जो इसकी वैल्यूएशन है वो रखना है, 7380 माइनस है 30 चीजों की, तो 30x ये फॉर्मूले में लिखा। तो जब हमारे पास में अभी एक्स की जो वैल्यू है, तो एक्स कहाँ से घटेगा, आरएचएस में है तो एलएचएस में ले जाना पड़ेगा। तो 30x को जब हम आरएचएस में माइनस में था तो एलएचएस में ले जाते हैं तो हो जाता है प्लस। तो 30x में से 6x गए तो कितने बचते हैं, जमा हो जाएंगे दोनों भी प्लस है, तो 36x वो हो जाएंगे। अब 36x आ गए, अब जब हमारे पास इतनी चीज आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि 36 को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो एक्स मसावी हो गया 7380 डिवाइडेड बाय 36 के लिए। तो जो कि अगर उसको जब हम सॉल्व करते हैं तकसीम के फॉर्मूले में रखकर, तो जिसके पास जब जब टाइम मिला, यहाँ पर अभी जगह है तो हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। कल जो देखा था यहाँ पर हम क्या रखते हैं, ये मकसूम है, मकसूम जिससे वो हल हो रहा है, और मकसूम अले में रखेंगे 36। अब 36 के टेबल में आपको पढ़ना है 36 का टेबल, 36 ضرب 20 अगर करते हैं तो कितना आता है 720। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब 720 गए इसमें, 7380 माइनस 720 तो कितने बचते हैं, 6660। अब फिर से टेबल पढ़ना है 36 का, तो 36 का टेबल अगर हम पढ़े, ये 7 तो 0 हो गया ना, इसको एक मरतबा कट करके लिखेंगे। 36 ضرب आप जब करते हैं 20, तो वो होता है 720, तो ये 7 तो 0 हो गया ना यहाँ पर, ये वापस से लिखने में आ गया था, ये 0 हो गया, और 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 और ये 8, तो अब कितना बचा, बस 180। 180 कब आता है 36 के टेबल में, तो 36 ضرب 5 180 होता है, 36 × 5 = 180, तो ये 0 हो जाएगा पूरा पूरा कंप्लीटली, और ये 5 तो 205 ऐसा आ जाएंगे। तो इस पर महारत आपको आना चाहिए जल्दी जल्दी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करने, तकसीम, तो हर चीज की खरीद कीमत कितनी हो गई, 205 रुपये हो गई। आप नेक्स्ट है कि 15 साइकिल अगर फरोख्त कर देते हैं अगर आप, तो सेल करने पे 3 साइकिल की फरोख कीमत के मसावी होती है, तो कितने फीसद आपको नफा हासिल हो रहा है 15 साइकिल बेचने पे 3 साइकिल की जो बेची हुई कीमत के बराबरी नफा हो रहा है, तो कितने परसेंट आपको नफा हो रहा है 15 साइकिल फरोख करने पर। 12 साइकिलों की जो फरोख कीमत के मसावी साइकिलों की खरीद कीमत है, तब 3 साइकिलों के फरोख कीमत के मसावी हो रहा है कैसे, ठीक है खरीद कीमत कितनी है 12 और नफा कितना है 3 के बराबर, तो एक्स और ये 100 जिसे हम हमेशा रखते हैं, और क्या करते हैं बाद में, ये 12 को डिनोमिनेटर में ला लेते हैं और ये वैसे रहते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। तो देखिए 3 अपॉन 12 और मल्टीप्लाई बाय 100, 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, तो 3 ضرب 100 300, और 300 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड तकसीम, तो कितना होता है 25, जो कि 25% नफा हो रहा है। इतना आसान था, सॉल्व करके देखना आपको रहेगा। 240 आम 25 दर्जन के हिसाब से खरीदे, 25 दर्जन के हिसाब से 240 आम खरीदे 25 रुपये दर्जन, तो 240 आम टोटल हो रहे हैं, तो दर्जन में कितने होते हैं 12। अब 12 के हिसाब से अगर 10 दर्जन बोले तो 120, तो टोटल 20 दर्जन लिए, मतलब 25 रुपये के हिसाब से, उनमें से 10% आम सड़े हुए निकले, ठीक यानी कि 240 में से 10% सड़े हुए मतलब कितना होता है कि आपके मतलब 24 आम खराब निकले, 30 आम जो थे तो वो बाकी आम 30 रुपये दर्जन के हिसाब से फरोख कर दिए, तो क्या हुआ 25 से उन्होंने खरीदे थे 240, जिसमें से 24 सड़े हुए निकले, जिसको उन्होंने क्या करे 30 रुपये दर्जन के हिसाब से सबको फरोख कर दिए, तो फायदा हुआ या नुकसान, और कितने
फीसद हुआ। तो पहले खरीद कीमत मालूम करेंगे, क्योंकि हमको खरीद कीमत आमों की तादाद कितने थी, 20 दर्जन, फी दर्जन कितने थे, 25 रुपये। तो अगर दर्जन अगर 20 रुपये हम लिखते तो 240 आम उसमें आए, मतलब टोटल जो ऊपर लिखा हुआ। यहाँ तक तो समझा ना। और 20 जरा 25 कितने होते हैं, 500। तो आपको खरीद कीमत आगे के टोटल रुपए कितने दिए आपने, 500 के खरीदे ना, 500 के टोटल खरीदे आपने कितने, 25 दर्जन। तो 20 मल्टीप्लाई 25, 500, ये आ गया आपके 500 रुपये दे के आपने लिए 240 आम। अब हाँ खराब हुए आम की तादाद कितनी थी, 240 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये 1010 चला गया, तो बराबर हो गया कितने, 24 के। 240 के ऊपर चला जाता है एक में, और 240 डिवाइडेड बाय 10, तो 24 आम क्या हो गया, खराब निकले। 24 खराब निकले मतलब कितने खराब निकले, 2 दर्जन खराब निकले 20 में से। तो अब बचे कितने, 18 दर्जन। 20 में से 2 दर्जन गए खराब आम, कुल आम तो 18 दर्जन अच्छे। अब अच्छे आमों को आपने कितने से फरोख्त करे, 30 से। तो 18 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो आपको 40 रुपये मुनाफा हुआ। तो खरीद कीमत थी 500, फरोख कीमत है 540, और फायदे में आप है 40 रुपये। अच्छा इस तरह अब उसका फीसद भी निकालना है, जवाब खत्म नहीं हुआ। अगर आपने 40 रुपये से कमाए तो 40 डिवाइडेड बाय 500 लिखना है, जो अमाउंट थी आपकी। हाँ, पर तो कितने हाँ, में खरीदे अब 500, और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से फीसद के लिए। तो 40 अपॉन 8, तो 40 क्या होता है, ये 100 से भाग होता है। तो 40 जरा 100 कितने होते हैं, 2 जीरो जोड़ देना है 4,000। अब 4,000 है तो 2 जीरो ऊपर के कट, 2 जीरो यहाँ के कट, तो कितने हो जाएंगे, 40 बचेंगे। और 40 को डिवाइड करना है 5 में, तो टोटल बचे 8, तो 8% आपको हो गया मुनाफा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको बार बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है। एक रेडियो 540 रुपये में खरीदे आपने। हाँ, एक रेडियो को क्या करे, 550 में खरीदे, और कुछ जो है तो अच्छा टाइम के बाद में आपने उसको 445 में बेच दिए, तो उसका कारोबार में कितना परसेंट नुकसान हुआ। आप फरोख कीमत माइनस खरीद कीमत इजिकल टू नुकसान, ये जाप्ते में रखना है। फरोख कीमत खरीद कीमत माइनस फरोख कीमत बराबर है नुकसान के। तो 550 माइनस 440, ये हो गया कितना, 105 रुपये घाटा, खत्म। ये ये तो बहुत आसान है देखते सारे। हाँ, तो इसमें फीसद नहीं पूछा। एक चीज 480 में आपने फरोख करी, अब खरीद कीमत का 1/8 हिस्सा नफा आपको हुआ, और 1/8 का हिस्सा मतलब कितना होता है, अच्छा वो होता है इससे पहले जो हमने नफा जो फीसद वाला पढ़ा था, तो फीसद में देखिए 1/8 होता है 12.5%। इसमें डायरेक्ट ही याद रखने के लिए फीसद वाला ये चार्ट याद रख लेना है। तो 1/8 मतलब 12.5%, जो कि देखिए जवाब में डायरेक्ट आ जाएगा, ये भी बहुत आसान है। हाँ, इसको पिछली वीडियो से आप कवर करते हुए आ सकते हो। तो ये 1/8 मतलब 12.5 डायरेक्ट, लेकिन अब सॉल्व करके देखेंगे। सपोज आपको याद नहीं था, तब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 480 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो ये क्या होगा, 480 मल्टीप्लाई बाय 1, 480, और उसको डिवाइड करना है कितने से, 480 को डिवाइड करेंगे 8 से। वैसे करना है, हर बार बता नहीं सकते, मकसूम में रखना है, और मकसूम अलग क्या है, 8, तो ये 60 हो जाएगा। कैसे होगा, 8 6 48, 8 6 48, और ये 0 0 लग गया इस तरह से। तो ये हो गया 60। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या आ गया, ये इसका कन्वर्ट हो गया। आप उसका फॉर्मूला रखना है कि नफा बटे खरीद कीमत और मल्टीप्लाई बाय जरब 100 बराबर होता है फीसद नफा। तब खरीद कीमत क्या आ गई, 60, और बटे कितना है, 480, वो क्या थी खरीद कीमत, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 60 जरा 100 कितना होता है, ये 2 जीरो जोड़ देना है 6,000, 6,000 में से 1 जीरो कट कर देना, कितने हो गए, 600। 600 को डिवाइड करना 48 से, तो 600 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 12.5। आप इसको फिर से, हाँ, ये डायरेक्ट कर लें अगर आपको मालूम नहीं था, और अगर मालूम है तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप 12.5 चूज कर सकते हो। एक ताजिर ने क्या किया, कुछ चीजें 21,060 में फरोख्त की, 2,160 में। अब उसे 20% का नफा अगर होता है तो उस चीज की खरीद कीमत क्या होगी, कितने में खरीदा था। तो जाप्ता क्या है कि 100
परोक्ष कीमत मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय फीसद नफा प्लस 100, ये क्या हो जाएंगे खरीद कीमत के बराबर। तो परोक्ष कीमत क्या आती है 2160 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस 20, क्योंकि 20 क्या था नफा, और हम हमेशा नफा को कैसे लिखते हैं 100 प्लस 20, जो भी आएगा तो अच्छा उसमें नफा है वैल्यू, तो अगर 30% हो तो 100 प्लस 30 ऐसे, 100 लगा। हाँ 100 लगाकर, क्योंकि नफा यानी कि फीसद में होता है इसलिए। तो ये 120 ये कॉमनली लिख दिया और इसको ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें का एक जीरो कट हो जाएगा, तो कितना हो गया 2160, सर वो येलो एक ही शेड जीरो कट आपने हुआ, नहीं तो लगे गए 21,600 कौन से, वो ये मल्टीप्लाई हाँ हुआ 100 से, तो ये 2 जीरो इसमें ऐड हो गया और ये 1 जीरो 1 जीरो ये कट हो गया, तो ये हो गया 21,600। 21,600 को अगर आप जब मकसूम को 112 से, सिर्फ 12 से डिवाइड करेंगे तो 1800 आपको आएगा। तो इसमें इतने इंजन की हाँ तो ये क्या हो गया 1800 खरीद कीमत उसकी निकल गई हमारे लिए। अब नेक्स्स क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार एक शॉल की छपी हुई कीमत पर 20% क्या देता है डिस्काउंट छूट, तो तब भी उससे 15% नफा मिल रहा है 20% देने के बाद। अगर शाल की छपी हुई कीमत अगर 2300 अगर है तो इस शाल की खरीद कीमत कितनी होगी, कितने में उसने लिया होगा, अगर उसकी एमआरपी 2300 है अगर, यानी उसको 35% हो रहा है ना डायरेक्ट, 20% छूट दे दिया और 15% फिर भी उसको फायदा मिला, तो यानी 35% ज्यादा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, वैसे दिमाग नहीं लगाएंगे, उसको जाप्ते में रखेंगे। छपी हुई कीमत मल्टीप्लाई बाय फीसद छूट माइनस 100, 100 माइनस फीसद छूट, और बटे 100 प्लस फीसद नफा, नफे को हम प्लस करते हैं और छूट को माइनस में रखते हैं, तो 100 माइनस कितना डिस्काउंट दिया 20, और ये कितना था 15, तो ये 115 हो गया और 100 माइनस 20 ये 80 हो गया, 2300 में सिर्फ 80 रखे हैं जो डिस्काउंट दे रहे थे, और ये बटे 115, तो 2300 जरा 80 कितने होते हैं, ये होते हैं 1,84,000, 1,84,000 डिवाइडेड बाय 115, तब 1,84,000 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे 115 से, तो वो हो जाएगा 1,600, तो शाल की कीमत है 1,600। अगर हम 1,600 को अगर 35% से भाग देते हैं तो 560 ये हो रहा था, जो कि 2,160 का कुछ उसका मतलब, उसको 15% अगर और निकाल लेते थे 15% तो 240, तो 1,600 माइनस 240 1,360, मतलब डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो बराबर फिट नहीं होते, तो आपको क्या करना है इसे डायरेक्ट जाते लिखना है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक इसके और बता देते हैं आपको, जैसे अगर ये सवाल आया आपके पास कि 20% छूट देता, तो दिमाग में क्या रख लेना डायरेक्ट 80 रख ली, 100 माइनस 20 का टेंशन नहीं, और 15% नफा मतलब 115 पकड़ ली, 120 बोले तो 120 पकड़ ली, 20% बोला तो 30% बोले तो 30% पकड़ लीजिए, डिस्काउंट को माइनस कीजिए 100 से और इसको प्लस करके पकड़िए, तो अभी 80 और इसको मल्टीप्लाई करना है 80 से, 2300 मल्टीप्लाई बाय 80 ये कर देना है, तो 2300 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना हुआ था, वो हुआ था 1,84,000, और 1,84,000 को डायरेक्ट डिवाइड कीजिए 115 से, मतलब बिना रखे डायरेक्ट, अब जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो आप उसको ऐसे रख सकते हैं, तो आपको जवाब आ जाएगा 1,600 डायरेक्ट सेकेंड, ये सीखने की हद तक है डायरेक्ट। अब उसके बाद 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं, राशिद ने 5 कमीज पर खमीज पे कितने लिए 110 रुपए के हिसाब से खरीदे और 10% नुकसान से फरोख कर दिया, अगर 110 से खरीदे तो कितने रुपए से फरोख करेगा, वो 11 रुपए घाटा होगा उसको, 110 का जब हम 10% देखते तो कितना होता है 10% होता है उसका 11 रुपये, और 111 में से अगर 11 गए तो 99 होता है, ये हमको पता है, लेकिन हम क्या करेंगे उसको जाप्ते में रखेंगे। देखिए 5 खमीज उसने खरीदा, पर खमीज 110 के हिसाब से थी, तो 5 खमीज कितने की हुई 110 के हिसाब से 550 की हुई, ये हमने हमारा डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, लेकिन अगर हम उसको देखेंगे नीचे तो देखिए 5 खमीज की कीमत 5 जरब 100 कंसिडर अगर कर रहे तो 110 ही होना चाहिए था, ये गलती हुई है छपाई में,
550 है। हाँ नहीं, डायरेक्टली भी सोचकर कर सकते हैं ना कि 110 जरा 5, तो 550 यहाँ तक आप आ गई। अब 10% घाट, अब तो 550 का 10% 55 रुपये, डायरेक्ट 10 वाला मतलब आसान होता है, तो 55 रुपये कम करके, तो 10% नुकसान मतलब 55 रुपये घाटा, तो टोटल कितना हो जाएगा वो? राशिद ने 5 कमीज 110 के हिसाब से खरीदे और 10% से नुकसान कर दिया, तो उसने खरीदा कितने में? 550 में, और 10% घाटा मतलब 55 से घाटे में बेच दिया, तो 495 में उसने बेचा, जो लिखा हुआ नहीं 495। यानी अगर कोई शख्स है उसने 5, जैसे कि लेडीज को मतलब ऐसे लेडीज ड्रेस से समझाएंगे कि अगर आप 5 ड्रेस खरीदते हैं, तो एक कुर्ती समझो आपने 110 के हिसाब से खरीदी, तो 10 5 कुर्ते कितने के हो गए? 550। 550 से खरीदेंगे, लेकिन अगर आपको फिर बाद में समझ में नहीं आया, घर पे आपने किसी को बोले ठीक है 55 रुपये कम दे दो आने आने के ऑटो में, और तुम ले लो, तो कितने में दिए आपने? 495। 495 में दे दिए, तो मतलब कितना फीसद आपको नुकसान हुआ? तो 555 के 55 रुपये मतलब 10%, तो 55 निकले, यानी कि 10% आपको नुकसान हुआ ऐसे, तो टोटल नुकसान 55 ऐसे। और अगर ये 555 ना होते में, अगर इसकी कीमत अगर 220 होती तो क्या होता? 220 के हिसाब से 5 कितने होते? 1100 रुपये। अब 1100 का नुकसान कितना होता? 10%, 110 रुपये, सिंपल है। और 110 1100 में गए तो कितना होगा? 1100 रुपये में से 110 अगर जाते हैं तो 990 रुपये ऐसे, तो 10% वाले आसान होते हैं। एक कार कंपनी अगर 20% नफे से कार को बेच रही थी, तो उन गाड़ियों की पैदावार कीमत कितनी थी? 20 लाख रुपए, तो मुनाफा कितना होगा 20%? तो इसको कोई 120 रख देना है डायरेक्ट, और अगर वैसे नहीं रखते मतलब 20 लाख है, तो पहले लिख देना है डिजिट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख ऐसे कर, 20 लाख उसका 20%, तो 20% कैसे लिखते हैं? 20/100, 20/100 मतलब ये जो 20 है इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 4 बन जाएगा, उसके 2 जीरो ऊपर के और नीचे के 2 जीरो कट करके कितना हो जाएगा? 4 लाख। 4 लाख रुपए मुनाफा है, 20 लाख की गाड़ी अगर बेच रहा था, तो 4 लाख रुपए 20% से मुनाफा है ऐसे। तो ये नफा नुकसान वाले सवाल है। अब उसके मुश्किल सवाल है, आपको सॉल्व करना है। 10.5 रुपए के हिसाब से अगर आपने भाव से 4 डजन केले लिए, तो उसे फरोख कर दिए, तो 18 रुपए जब नफा हुआ, तो टोटल नफा आपको कितना होगा? तो अब आपको कैसे करना होगा? आपको ये खुद होमवर्क में करना है। 10.5 रुपए है, तो 4 डजन के कितने हो रहे हैं? 42 रुपये हो गए। 42 रुपये आप लेकर फरोख कर दे रहे, तो आपको 18 बचे, तो मतलब 42 में 18 जोड़े तो कितने होते हैं? टोटल आप 60 रुपये कमा रहे हैं, मतलब 42 रुपये आपने दिए, आप बेचे जब, तो आपके टोटल बन गए 60 रुपये 42, तो कितने? 18 रुपये मुनाफा हुआ, तो कितने परसेंट मुनाफा वो है ये दिए हुए चीज में से? अब देखिए, अगर ये 67% डायरेक्ट दे दिया, तो आधा मतलब क्या है? 42 के आधे कितने होते हैं? 21 रुपये, तो 18 मतलब थोड़ा सा कम, तो 50% के अंदर होना चाहिए उसके, बाहर नहीं, तो 67 तो बिल्कुल नहीं है। तो हाँ, और नहीं 40, ट्रांसफर तो आपको क्या करना होता है कि 42 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर आप रख कर देखेंगे 42.85, तो ये आपका जवाब निकलेगा नफे वाला, तो इसको पूरा कैलकुलेट करके इस हिसाब से आपको रखना होगा। आप दूसरा सवाल भी, आपको ये सारे मस्क है, तो आपको खुद सॉल्व करके इसको व्हाट्सएप पे भेजना है। सॉल्व करने के बाद इसके स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए, जो फोटो ले रहे हैं तो फोटो या स्क्रीनशॉट्स ये लेते चलिए। ये 9वां सवाल है, यहाँ तक 11वां, और उसके बाद ये उसके जवाब भी,
उसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में मुफर्रिस सूत और मुरक्कब सूत।